हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A06 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऑटो आंसर कॉल सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी चालू कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का एक कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में आपको सबसे पहले नीचे की साइड है रीसेंट का ऑप्शन है, रीसेंट में सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये थ्री डॉट का ऑप्शन है, थ्री डॉट पर टैप करना है। ये पेज आता है, इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए, इस पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पेज में आपको दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है ना आंसर ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट करना है, इसके नेम पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये पेज आएगा आंसर ऑटोमेटिक का। इसमें आपको पहले तो ये सबसे ऊपर ऑफ के सामने वाले बटन को चालू करना है, तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। तो अब इसमें से आप ना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं इसे 10 सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, आपके मोबाइल फोन पे जब कभी इनकमिंग कॉल आएगा ना, तो आपके मोबाइल फोन पे इनकमिंग कॉल 10 सेकंड तक रिंग बजेगी आपके फोन पे। ठीक है, और 10 सेकंड के बाद ही, 10 सेकंड के तुरंत बाद वो जो इनकमिंग कॉल होगी ना ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। आपको ग्रीन कलर का बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटो आंसर सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है। ठीक है,